विद्यार्थी मित्रों हमें अपने विधेय प्रकारों विषय अभ्यास करी तो एना जुदा जुदा त्रण प्रकारों मुजब एक एक विधेय अनेक एक विधेय अने अचल विधेय। हवे एक एक विधेय एटले शुं एनी अंदर जोईए आकृति द्वारा आपणे समजशुं तो सरळताथी आपणे तेने समजी शकशुं। जे आपणे विधेय समजशुं त्यारे पण बे गण आपेला ત્યારે એની કિંમત બે મળી તો આપણે આમાં પણ એક જોયું હતું કે ધારો કે એ વન ની વિધેય
तो आपणे विधेयनो प्रकारनी अंदर पहेलो प्रकार पूर्ण कर्यो जेनुं नाम छे एक एक विधेय। ए नो एक घटक, एक गण